जय भीम, जय भारत जी। मैं दलबीर माही, बसपा वर्कर, सतगुरु रविदास जी के आगमन पुरब दियाँ तुहानू सब नू लख लख मुबारक दिंदा हाँ। तो मैनू ये दसदियाँ बहुत खुशी हुंदी है कि सारी दुनिया के हर एक साल की तरह इस साल भी असी बड़ी धूमधाम के नाल सतगुरु रविदास जी का आगमन पुरब दियाँ खुशियां नू सांझा कर रहे हैं। तो ये सानू करनियां चाहिए रल मिल के। तो मैं जिहड़ी खास गल ये कहनी चाहुंदा आ कि दो खड्डे हुंदे ने शरीर दे विच, एक पेट वाला ते एक दिमाग वाला। पेट वाला खड्डा तो सारे जीवां दे विच हुंदा, लेकिन कुदरत दा एक करिश्मा है कि दिमाग वाला खड्डा सिर्फ ते सिर्फ मनुख दे हिस्से है। तो साढ़े गुरु साहिबान जी ने, खास करके सतगुरु रविदास जी ने जिथे पेट वाला खड्डा भरन की गल की आ, उत्थे उन्होंने इस दिमाग वाले खड्डे नूं भी ज्ञान दे नाल भरन की गल की आ। क्योंकि उन्होंने कहा सी कि माधो अविद्या है तकीन, बवेक दीप मलीन। तो इस तरह उन्होंने जिहड़े इस प्रवचन ते असी अगर पहरा दईए तो सानू ये खड्डा जे ज्ञान ना भरांगे तां ही असी गुरुआं दे हो सकते हैं। जिस तरह गुरु साहिबान ने इस ज्ञान दे नाल, क्योंकि विप्रवादी ब्राह्मणवादी उन्हां दी जो अखौती जात सी उहदे करके उन्हां नूं नीमा कहिंदे सी, लेकिन गुरु साहिबान ने अपने ज्ञान दे नाल अपने इन्ना क उच्चा उठ गया हो कि वह विप्रवादियों भी उन्होंने डडौत करनी पई, राजे महाराजा उन्होंने चरणों में झुकना पिया। तो सानू भी चाहिए कि गुरु की गल मन के असी वध तो वध गुरपुरब जो भी खुशियां सांझी करते हैं, जुड़ बैठते हैं, तो असी ज्ञान की गल करिए, उन्होंने तर्कवाद की गल करिए। अज तक असी जो ब्राह्मणवादी सोच के हिसाब के नाल गल्लां करते रहे, जिहड़ियां गैर कुदरती ने, जिहड़ियां तर्क के उपर खरियां नहीं उतरदियां, उन्हां नूं छड के असी गुरुआं दी बाणी ते पहरा दईए। ते जिहड़ी गल उन्हां ने सानूं समझाई आ कि एक सुख स्वराज में दूसरा मर्ग टगाऊं, तो इस करके सानूं इस गल ते पहरा देना चाहीदा, सानूं इह छड के कि मरन तों बाद च स्वर्गां च जाणा। क्योंकि मैं तुहानूं वादा करदा कि मरण तो बाद सारे स्वर्गों में ही जाते हैं। जे तुहानू शक है तो एक भी बंदा मैनू लभ दो जिहड़ा अज तक नरकां च गया होवे। सो साडे गुरु ने सानू यह समझाया कि जींदे जी स्वराज अपने राज दे विच रहूंगे तां तुहानू स्वर्ग मिलना। तो असी इन्हां गल्लां ते पहरा दईए ते तां ही असी अगे वध सकदे हां, तां ही साडे जिहड़े माण इज्जत हक आ उह साडे सुरक्षित रह सकदे आ। तो इस इन्ने नाल मैं जिहड़ा सारां दा तुहाडा धन्नवाद करदा, खास करके फैन अंबेडकर टीवी वालियां दा जिन्हां ने मैनूं अपनी गल कहण दा तुहाडे तक मौका दिता। सो सारयां दा धन्नवाद, एक बार फिर तो तुहानूं लख लख मुबारकां। जय भीम, जय भारत जी। जय भीम, जय भारत। मैं कृष्ण लाल, मैंबर भीम आर्मी पंजाब, जो कि देशों विदेशों में वसदियां होईयां सारियां संगतां नूं सतगुरु रविदास महाराज जी दे 643वें गुरपुरब दियां लख लख मुबारकां दिंदा है जी। सो मैं बेनती करदा कि जिहड़े गुरपुरब संगतां मना रही हैं उन्हां दे विच किसी भी तरह की कोई भी हुलड़बाजी नहीं होनी चाहीदी। सो साढ़े गुरु साहिबान ने यही सानू उदाहरण दित्ती आ कि मधुमक्खियां दे उदाहरण दित्ती आ कि एक मुठ ते इकट्ठे हो के रहना हैगा। सो मेरे सारियां ही संगतां नूं मैं दोबारा तो फिर सारियां नूं लख लख बधाई दिंदा हाँ। साढ़े कोल पहुँचे फैन अंबेडकर टीवी वाले जिन्ह की बदौलत असी थोड़े नाल रूबरूब होए हाँ। सो देशों विदेशों में वसदियां हुई संगतां नूं मैं फिर तो सतगुरु रविदास महाराज जी 643वें गुरपुरब दियां लख लख मुबारकां दिंदा है जी। सो जय भीम।